अच्छा, मेरे पीछे आप ये खूबसूरती भी चेक करें, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा BPS 1 to 15 के बारे में जो अपडेट आ रही है। वो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा टेस्ट दोबारा होगा, या हमें BPS 5 to 15 के जो ऑलरेडी कैंडिडेट पास हैं उनको ऑर्डर मिलेगा। तो ये परेशानी है, कन्फ्यूजन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर कंफर्म करें कि ये रियल है या फेक है, ये जो लेटर कल मैंने आपको दिखाया था। अब देखें ये, अच्छा ये टीवी चैनल पे भी आया। देखें बताया जाए कि BPS 1 to 15 ग्रेड की टोटल कितनी वैकेंसीज खाली हैं और 3 दिन के अंदर अंदर उसकी तफसीलात दी जाए, ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं सिंध हुकूमत भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितनी भी खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उनका तफसील मांगा है। किसने मांगा है? सिंध हुकूमत ने। तो काफ़ी बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर क्या टेस्ट हमारी दोबारा होगी, ये काइंडली हमें कंफर्म करें, हमें पता नहीं चल रहा, क्या हम दोबारा तैयारी करेंगे, री एडवर्टाइजमेंट होगी। देखें BPS 5 to 15 की जिन्होंने क्वालिफाई की है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ, कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वो ख़त्म नहीं हुआ आपका, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनकी फर्दर पॉलिसी क्या है, BPS 5 to 15 को एडजस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि BPS 1 to आपको पता है कि 4 तक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसमें तो आप नहीं हैं, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं होता, उनका पियान वगैरह की जो जॉब्स होती हैं, चौकीदार की जॉब्स होती हैं। लेकिन आप लोगों के बारे में ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम BPS 5 to 15 को ख़त्म करेंगे या हम री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इस तरह नहीं होगा। बस ये वैकेंसीज़ देखें क्लियरली आ जाएँ, कन्फर्म हो जाए, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी अकोमोडेट करें, और जो री एडवर्टाइजमेंट वाली न्यू वैकेंसीज़ होंगी जो IBA के थ्रू करनी होगी इनको, तो वो री एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। अब इसका जो BPS 5 to 15 का जो मेन आपका क्वेश्चन है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी दोबारा टेस्ट नहीं होगी। वो आपके पास सर्टिफिकेट भी आपने पे किया है, आप तसली करें, आपका दोबारा टेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, और आपको आपका राइट मिलेगा। हम भी इस चीज़ को रेज़ करते हैं कि BPS 5 to 15 वालों को अपना राइट मिलना चाहिए, भले टॉप टू बॉटम हो या इंटरव्यू जैसे करते हैं, तो आपको आपका राइट मिलना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि BPS 5 to 15 की रीएडवर्टाइजमेंट होगी या दोबारा टेस्ट होगी। फर्दर वेट करें, जो अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 5 से 15 जो आपने पास किया है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ।